Hey guys, welcome to my channel. This is Anandita and you are watching Make It Up. तो आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है. बहुत दिनों से मैं ये रोजी ऑयल यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का. और ये ऑयल के बारे में मैं बहुत सारा रिव्यूज़ यूट्यूब में मैं पढ़ी हूँ एज वेल एज गूगल में मैं देखी हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं ये ऑयल खरीद लेती हूँ और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मेरा बहुत सारा यूज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. लगभग 2 महीने से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ. तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उस कंडीशन पे आई हूँ कि मैं ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस ऑयल का. तो चलिए शुरू करते हैं, ये ऑयल के बारे में बात करते हैं. वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो. तो ये जो पैकेजिंग है गुड वाइब्स का, ये आप देख सकते हैं ऐसे काइंड ऑफ एक पैकेजिंग में आता है. मैं ये पैकेट फेक ही नहीं थी लेकिन इसका हालत बहुत खराब है क्योंकि 2 महीने से मैं ये ऑयल यूज कर रही हूँ, लेकिन ये पैकेजिंग आप लोग को दिखाना था इसीलिए मैंने रखा. तो यहाँ पे पीछे मैंने इसका बेनिफिट्स, हाउ टू यूज एंड बी केयरफुल ऑफ सम इरिटेशन इंग्रेडिएंट्स काइंड ऑफ लिखा हुआ है. की इंग्रेडिएंट्स है, मैन्युफैक्चर डेट है एंड ऑल. ये जो ऑयल है ये 399 रुपीज में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. लेकिन इसमें डिस्काउंट था तो मुझे अराउंड 227 ऐसा मुझे मिला. purple.com से मैंने खरीदा. ये शायद सिर्फ purple.com में ही अवेलेबल है, दूसरा कोई वेबसाइट में नहीं है. और इसमें आप 30 ml का प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहे हैं. तो इसका जो अंदर है ये एक्चुअल वो ऑयल है. बहुत सारा ऑयल है, बहुत सारा प्रोडक्ट है. मैं इतना यूज करने के बाद भी इतना ही यूज हुआ है, इतना तक ही यूज हुआ है, इतना तक अभी तक है. ओके, मैं देख सकती हूँ, आप लोग शायद नहीं देख सकते. तो एक ग्लास बॉटल के ऊपर है तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली उतना नहीं है क्योंकि ग्लास बॉटल है तो टूट सकता है. लेकिन आई डोंट माइंड क्योंकि अगर मैं ले जाती हूँ कोई भी प्रोडक्ट मेरे साथ तो मैं बहुत केयरफुली ले जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो है, यहाँ पे जो लिखा है मैं वो पढ़ लेती हूँ. A one of kind face serum that maintains skin elasticity and smoothness, infused with rosehip extracts to brighten uneven skin tone for a glowing complexion. ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड हाउ टू यूज में लिखा हुआ है कि 2-3 drops आपको हाथ में लेना है एंड जेंटली मसाज करना है पूरा स्किन में फिंगर टिप्स के मदद से. ओके, जब तक ना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन इसमें कोई सल्फेट एंड पैराबिन मुझे तो दिखा नहीं, जो कि बहुत हार्मफुल है स्किन के लिए. अब आप कोई फेशियल ऑयल यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तो इंग्रेडिएंट रहेगा ही, थोड़ा सा तो ऐसा टाइप का इंग्रेडिएंट रहेगा क्योंकि वो पूरा एकदम से नेचुरल आयुर्वेदिक नहीं होता है. लेकिन रोजहिप डेफिनेटली इसमें है. तो अब मैं बात करती हूँ मैं क्या क्या इसके इस ऑयल के बारे में फील किया एंड मैं कैसे यूज करती हूँ ऑयल. मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ ग्लोई स्किन का. आप लोग जानते हैं कि मैं ब्राइटन एंड ग्लोई स्किन का बहुत ज्यादा फैन हूँ. तो मेरा यहाँ पे कुछ कुछ पिंपल स्पॉट्स थे तो उसके लिए मैं दूसरा ऑयल एंड दूसरा रेमेडीज में यूज कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. स्किन लाइटनिंग ऑयल जो कि बहुत अच्छा ऑयल है, ऑलरेडी मैं रिव्यू पोस्ट कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा. लेकिन मैं थोड़ा सा अपने जो चिक्स है, थोड़ा सा फेस ओवरऑल थोड़ा सा ग्लोई बनाना चाह रही थी क्योंकि ये विंटर टाइम है. मैं चाहती थी मेरा स्किन सुपर हाइड्रेटेड भी रहे और थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट भी दे ताकि मेकअप बहुत अच्छे से उभर के आए. तो इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कोई ऐसा काइंड ऑफ मैं फेशियल ऑयल यूज करके देखती हूँ. तो जब मैं इस ऑयल के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत बेनिफिटेड लगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऑयल को यूज करके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पाए, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिला. तो मैंने भी ये ऑयल मंगवा लिया. तो सच बता रही हूँ ये ऑयल बहुत माइल्ड है स्किन के ऊपर, कोई भी इचीनेस कुछ भी इरिटेशन कुछ नहीं होता है, नथिंग. कुछ कुछ ऑयल लगाने के बाद ना थोड़ा सा लगता है जलन एंड काइंड ऑफ इरिटेशन, जो कि बिल्कुल सही नहीं है स्किन के लिए. लेकिन इस ऑयल में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत माइल्ड है, बहुत स्मूथ है. इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आता है, लाइक ग्लिसरीन जैसा कंसिस्टेंसी में है, थोड़ा सा चिपचिपा है. बट आई डोंट माइंड कि अगर आप फाउंडेशन के नीचे यूज कर रहे हो या फिर रात को सोने से पहले या फिर नहाने के बाद सनस्क्रीन के पहले यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये ऑयल स्किन में एक बहुत सटल सा ग्लो प्रोवाइड जरूर करता है, लेकिन 7-8 uses के बाद ही मुझे वो मिला. एकदम ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इस ऑयल के साथ सच में थोड़ा कम दिन में ही मुझे ग्लो थोड़ा सा दिखा. मेरा जो स्किन टेक्सचर है ना बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है. मेरा
ऑलरेडी मतलब टेक्सचर स्किन है मेरा, बहुत सारे यू नो पोर्स वगैरह यहाँ पे, डेफिनेटली नाक के पास कोई पोर्स वगैरह उतना नहीं है, लेकिन मेरे फोरहेड में बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, टेक्सचर स्किन है मेरा। लेकिन ये ऑयल करने के बाद, यूज करने के बाद बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादातर मैं बोल सकते हैं कि टेक्सचर्ड मेरा जो है स्किन का थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत इवन टोन आए हैं, स्मूथ हुए हैं मेरा स्किन का जो सर्फेस है वो। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ ये ऑयल को लेके। जिनका ड्राई स्किन है डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, जिनका ऑयली स्किन है वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू नो मॉइस्चराइजर यूज मतलब ये इतना ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं प्रोवाइड करता, हाइड्रेटेड है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एज अ मॉइस्चराइजर इसको अप्लाई आप मत कीजिए, इसके बाद मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लीजिए। लेकिन हाँ, इट्स काइंड ऑफ अ सीरम, इट्स अ सीरम ओनली, तो आप एज अ सीरम यूज कीजिए, नॉट एज अ मॉइस्चराइजर। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करती हूँ ये ऑयल को आप सभी को, जिन लोगों का यू नो ग्लो थोड़ा सा लगे, कि स्किन में थोड़ा सा जो टेक्सचर है थोड़ा सा इंप्रूव हो, स्किन थोड़ा सा स्मूथ हो, ग्लोई ग्लोई हो विंटर में, डेफिनेटली आप ये ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका जो मतलब ये है वो दिखा देती हूँ कैसा ये दिखने में है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। ओके, देख सकते हैं आप, ऐसा है इसका जो कंसिस्टेंसी है, एकदम ऐसा है ग्लिसरीन का टाइप का, और बहुत सुंदर एक रोज का स्मेल है, बहुत रिफ्रेशिंग है। यूज करने के बाद ही ना बहुत ज्यादा अच्छे से रिफ्रेशिंग होता है, कोई भी फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल हुआ या रोजी या फ्लावर काइंड ऑफ सेंट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली ये स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द ऑयल जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, बहुत बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। ये हुआ मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, purple.com में अवेलेबल है, कोई और वेबसाइट में अवेलेबल होता तो बहुत अच्छा लगता। आई विश ये अच्छा अच्छा प्रोडक्ट सारे जगह में यू नो स्प्रेडेड होता, कि लोग भी बेनिफिटेड हुए। तो बस ये रहा मेरा क्विक सा मिनी वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, एंड प्लीज नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी ब्यूटीफुल, बाय।